It's your body, Holy Baba. कह दिता जाता मैनू भी तू आर एस एस का बंदा फिर साढ़े गवैये वीर मेरा टोटल बायकॉट कर देंगे असी बह जाने रेलां रोकने का पुराने ढंग आ जी रेलां रोकण दे हुण जे कल नू साढ़े ते सेंटर ने यह कहता भी स्टेट गवर्नमेंट इत्थे प्रोटेस्टर्स नू कंट्रोल करन च नाकामयाब आ सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनुकूल आ एमरजेंसी इनवोक करते उदू बाद साडा प्लान बी की होगा इन्हां किसान जथेबंदियां ने सिर्फ ऑर्डिनेंस दे विच एम एस पी तक आपदी लड़ाई लिमिटेड रखनी आ ये क्यों रखनी आ कर लिए जिदे असी बंद कमरियां च सरकारां नाल मीटिंगां करनियां शुरू कर दिंदे आ ना 50% दा संघर्ष उत्थे ही असी वेच दिंदे आ ना दिल्ली घेरी बाकी सूबियां नू नाल रला के जाऊगी जे तुसी कहो पंजाब कल्ला दिल्ली घेर लूगा तां इह पॉसिबल नहीं आ ती जानी मेरे ते सवाल ना खड़े करो जे अज गवैये कह रहे आ सारे भी दीप सिद्धू नवा कोई फ्रंट खड़ा कर रहा मैं कहा वह हर बंदा उन्हूं हक आ जिहड़ा पंजाब लई लड़ रहा नवा कोई फ्रंट खड़ा करन वास्ते आप मैनू दो अज जड़े जड़े साड़ी इत्थे रवायती पार्टियां उन्हां तो असी सैटिस्फाइड हाँ उन्होंने साडा भला किया किसी ने सो जे नहीं किया तो बाई जी तख्ता पलट करो लोगों का भला करो लोगों लई लड़ो एक दूजे नू निंदो ना एक दूजे लई एक दूजे दियां लत्तां ना खिंचो। सत श्री अकाल जी बॉली हॉली बाबा चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता दोस्तों जिवें आपां जानदे हां कि सरकार वालों खेती ऑर्डिनेंस बिल किसानों ते थोपे गए जिस दा विरोध लगातार एक्टर दीप सिद्धू ते होर सिंगरां ते किसान जथेबंदियों वालों किया जा रहा पर दोस्तों दीप सिद्धू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट तो लाइव होकर अपने दिल दीआं गल्लां लोकां नाल सांझीआं कीतीआं ते जो लोग उन्हां ते इल्जाम लाउंदे आ उन्होंने भी दीप सिद्धू ने ठोक के जवाब दिता सो आओ आपां सब तो पहलां दीप सिद्धू दा पूरा लाइव वीडियो देख लैंदे आं। सत श्री अकाल जी मैं आस करदा तुसी तंदुरुस्त होवोगे ठीक ठाक होवोगे कुछ दिल दीआं गल्लां तुहाडे नाल शेयर करनीआं सी गल्लां इह आ जे मैं एस जी पी सी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पावन सरूपां ते सवाल करदा तां मैनूं इह कह दित्ता जांदा तूं एजेंसियां दा बंदा ते तेरे ते कानूनी कारवाई कीती जाऊगी जे मैं सरकारां नूं सवाल करदा ते मैनूं इह कह दित्ता जांदा इह देश धरोई आ इह सैपरेटिस्ट नूं बिलोंग करदा ते जे मैं अज किसान जथेबंदियां नूं ये सवाल करता भी तुसी पहला तां लड़ाई तय करो लड़ाई थोड़ी कुछ रियायतां नूं लैके आ कि लड़ाई किसानां दे ते मजदूरां दे सुधारां दी आ उन्हां दी जिंदगियां दे सुधारां दी आ तां ओह उन्हां नूं होर सवाल करदा भी जे कोई फैसले लैने आ इस संघर्ष दे फैसले लैने आ इन्हां नूं बंद कमरियां च ना लिया जावे इन्हां नूं सरकारां दे नाल मीटिंगां करके ना लिया जावे ये कोई ओपन फोरम च लिया जाए या कोई यहोजा सिस्टम पैदा करिए जिते चैक्स एंड बैलेंसिस हो मेरे ते ये कह दिता जाता मैनू भी तू आर एस एस का बंदा फिर साढ़े गवैये वीर मेरा टोटल बायकॉट कर देंगे ये कह के भी असी तो किसान जथेबंदियों के नाल हाँ तो तुसी तो कोई नवी राजनीति या राजनीतिक धिर कोई पार्टी कढ़न की कोशिश कर रहे हो गल आई हाँ जदों तक असी ये नहीं समझांगे भी साड़ी लड़ाई की आ या जदों तक असी पुराने रीति रवैज रवा जिहड़े रवाज आ उन्हां दा खंडन नहीं करांगे साढ़े हाथ पले हुण भी कुछ नहीं लगना साढ़े हाथ पले पहला भी कुछ नहीं लग्या सो गल ये आ भी जे सानू एम एस पी मिल गई मेरा सवाल आ किसान जिहड़े खुदकुशियां करदे आ किसान जिहड़े करज़ियां थले आ किसान जिन्हां दीआं लिमिटां नहीं मोड़ियां जांदियां उह सब कुछ ठीक होजू एम एस पी मिलण नाल जिहड़े एक स्टैटिस्टिक्स आ ना स्टैटिस्टिक्स की गल समझिए 6% पूरे देश के किसान इहोजे आ जिहड़े एम एस पी यूज करते आ मतलब 94% किसान एम एस पी यूज ही नहीं करते उन्हां दी लुट कसुट तो एम एस पी तो बिना भी जारी आ फिर अगली गल आ जिहड़ी कि साडे नाल मजदूर या उन्हां दीआं जिहड़ीआं यूनियनस उह नाल आ कि साडे नाल आड़ती आ सारी आड़ती यूनियन साडे नाल आ
जे असी कहीए ये साड़ी सारयां दी लड़ाई आ। हजे तुसी लामबंदी तां करदे नहीं, असी बह जाने रेलां रोकने दा पुराने ढंग आ जी रेलां रोकण दे, जां असी मॉल्स च चले गए, असी इहो जी एक सिचुएशन इहो जिहा माहौल क्रिएट कर रहे हाँ जिथे सेंटर ने साढ़े ते एमरजेंसी इनवोक कर देनी आ। तुसी ये देख लो बहुत थावां तो मैनू एक खबर आई आ भी जी आर्मी या पैरामिलिट्री फोर्सेस दीयां गड्डियां पंजाब च एंटर हो रही हैं। हुण जे कल नू साढ़े ते सेंटर ने यह कहता भी स्टेट गवर्नमेंट इत्थे प्रोटेस्टर्स नू कंट्रोल करन च नाकामयाब आ, सिचुएशन बहुत ज़्यादा अनुकूल आ, एमरजेंसी इनवोक कर दे, उदू बाद साडा प्लैन बी की होगा? साढ़े कोले कोई प्लैन बी नहीं आ, किसी किसान जथेबंदी कोले कोई प्लैन बी है नहीं, वो सिर्फ लगे हुए आ टोल रोक लो, फलानी थां ते मॉल बंद कर दो, या असी रेलां रोक लो, रेलां तां पिछे ही रोकी खड़े आ वो। सो कोई प्लैन बी रख के नहीं चलते। मैं किदें दा कही जाना भी सानू गल समझ नहीं पैनी आ, ये ऑर्डिनेंस आने काले कानून आने ये तां बीमारी दे लक्षण आ, रोग की आ ते उहदी दवाई की होनी चाहीदी आ, गल इत्थे पई आ। रोग की आ, रोग ये आ भी किसान की दशा ऑर्डिनेंस तो आने तो पहला भी बुरी सी, उदू पहला भी खुदकुशियां होंदिया सी, उदू पहला भी किसान या मजदूर घरजे च सी, उन्होंने शोषण होंदे सी, और असी ये गल नू समझ ही नहीं पा रहे। इन्हां किसान जथेबंदियां ने सिर्फ ऑर्डिनेंस दे विच एम एस पी तक आपदी लड़ाई लिमिटेड रखनी आ, ये क्यों रखनी आ इहदा मैनू नहीं पता। इन्हां दे कोई राजसी सरोकार भी हो सकदे आ, इन्हां दे कोई आपस कोई पोलिटिकल एसोसीएशन या मान लो अहुदियां दे सरोकार भी हो सकदे आ, सारे नहीं, सारियां जथेबंदियां दे सारे लीडर इक्को जिहे नहीं आ, इह भी मैं गल मानदा, पर जदों तक असी पूर्ण तौर ते इह गल नू समझ के खंडन नहीं करांगे, पुराने रीति रिवाजां दा खंडन नहीं करांगे, उन्हां नू चैलेंज नहीं करांगे, तो कोई इहो जिहा ढांचा नहीं सिरजांगे जिथे सही असल तौर ते किसानां दा मजदूरां दा या होर सारे वर्गां दा कोई भला ना हो सके, उदों तक जे असी कहीए एम एस पी लैके बह जाएंगे कोई प्राप्ति नहीं है। फिर लोग थोड़े च किसान जथेबंदियां नू मेरी बेनती आ हथ जोड़ के भी थोड़े च एडा बड़ा आपदा असी मैं भी कहना मैं थोड़े नाल एडा बड़ा आपदा भरोसा थोड़े च देता, एडी बड़ी आस आ उन्हां नू थोड़े तो, बिकॉज तुसी एक्ती लाओगे, तुसी पंजाब लई इस धरती लई साडे लोकां लई कुछ लैके डिगोगे, पर तुसी बैठे हो एम एस पियां ते, तुसी बैठे हो भी सरकारां नाल मीटिंग कर लीए, जिद्दे असी बंद कमरियां च सरकारां नाल मीटिंगां करनियां शुरू कर दिंदे आ ना, 50% दा संघर्ष उत्थे ही असी वेच दिंदे आ, उत्थे 50% संघर्ष तां खत्म हो जांदा। हुण गल इह आ जां तां आपदे जमीरां दी असी आपदे आत्मा दी आवाज़ सुन के असल गल नू समझ के लड़ाई लड़िए, ते जिहड़ी जिहड़ी रूह जिहड़ा जिहड़ा बंदा आपदे जमीर दी आपदे अंदर दी आवाज़ सुन के इस लड़ाई च लड़ूगा, मैं उहदे नाल हाँ। मैं तां जी तुर पिया हुण, तुसीं कर लो जिहड़ा मेरा विरोध करना, भंड लो जिन्ना भंडना, कह दो जिहदा मर्जी बंदा, मैं अज तों बाद मैं सफाई भी नहीं देनी, कोई सफाई नहीं देनी, इस करके नहीं देनी क्योंकि मेरा टीचा कुछ होर आ, मेरी लड़ाई साड़ी धरती खातर साढ़े लोगों खातर आ, तुसी तो मैनू उलझाई रखोगे, मैं तो तीजे कि दिन मेरे ते कोई नवा सवाल खड़ा कर दिने हो। एक गल समझण की जरूरत आ भी जदों लड़ाई सरकारां दे खिलाफ लड़ी जाती है ना, इहो जी राजसी धिरां दे खिलाफ स्टेट के खिलाफ लड़ी जाती है, उदों वख वख जगह ते वख वख मोर्चे विटने पैंदे हुंदे आ, पर साडा टीचा इक्को ही हुंदा, साडा टीचा यही हुंदा भी सरकारां नू बैकफुट ते लैके आईए, सरकारां दी मजबूरी कोई राजसी मजबूरी खड़ी कर दिए, और ये उत्थे जे असी एक दूजे नू निंदन लग जाइए तो लोकां च वहम ते भरम ही पैदा हुंदा, होर इहदा कोई इहदे चों कोई हल नहीं निकलदा। इस करके हल वल नू तुरो, हल वल नू असी तां ही तुरांगे जे असी रोग नू समझ सके ते उहदी दवाई नू लभण दी कोशिश करिए। असी तां लक्षणां ते आ के लक्षणां दी ओह गल करी जांदे आ, सो ये जिहड़े काले कानून आ इह तां लक्षण आ। अगली गल मैं जे करदा, जे कल नू एमरजेंसी इनवोक होगी, मैं किद्दे दा इह गल कही आ ना, लामबंद करो इहनू, नैशनल मूवमेंट बनाओ, असी हरियाणे वाले सारे बंदियां नाल हुण मैं टच च आ, इस तरह मैं होर भी कोशिश कर रहा जिहड़े सूबे आ
ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਨਵੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਘੇਰੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਊਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਗਵਾਈਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਫਰੰਟ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਸੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੜ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਸੇਧ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਸਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਦ ਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਬੈਲ ਦੇ ਬਟਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਈ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।